नमस्कार छात्र छात्राओं, आपका एसएमके इंटर कॉलेज सरेंदी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज किसे कहते हैं। इसका अर्थ है वाक्यों का रूप परिवर्तन। जब हम किसी वाक्य के अर्थ में बिना परिवर्तन किए हुए उसका रूप बदल देते हैं, अर्थात उसके कहने के तरीके को बदल देते हैं, तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज कहते हैं। अब हम कई प्रकार से इसका बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, दूसरा है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज, तीसरा है इंटरचेंज ऑफ डिग्री, ये विशेषण की डिग्रियां होती हैं एडजेक्टिव की, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, इनमें बदलाव कर सकते हैं। एक है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड एसर्टिव सेंटेंसेज, तो हम इसमें बदलाव कर सकते हैं इसमें सूचक वाक्यों में। तो कई प्रकार से हम वाक्यों में बदलाव कर सकते हैं बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए। तो मैं आज आपको असर्टिव से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले बताने जा रहा हूँ। तो इसमें कुछ रूल हैं, तो वो समझ लीजिए। रूल नंबर वन, जब हम असर्टिव से इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले स्थान पर लाते हैं। पहले स्थान पर अब आप हेल्पिंग वर्ब तो जानते ही हैं, साइक क्रिया, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, बहुत सारी साइक क्रिया हैं, तो उनको पहले स्थान पर लाते हैं। दूसरा रूल है कि जब असर्टिव अफर्मेटिव का हो, जब असर्टिव अफर्मेटिव का हो तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। रूल नंबर थ्री, यदि असर्टिव नेगेटिव का है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला रूल है यदि वाक्य में नेवर का प्रयोग हो तो उसे एवर में बदल देते हैं, और यदि वाक्य में नो का प्रयोग हो तो उसे एनी में बदल देते हैं। अगला रूल है फाइव, सभी वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह, आप जानते ही हैं प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ इसके रूल हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं, जैसे असर्टिव में टैगोर, वाज, ए ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि था। अब आप ध्यान देंगे ये असर्टिव में अफर्मेटिव है, तो जब इसको इंटरोगेटिव बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले स्थान पर लाते हैं। तो वाज, टैगोर, और इसमें अफर्मेटिव का है इसलिए नॉट का प्रयोग कर देते हैं। वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट, और
क्वेश्चन मार्क का प्रयोग भी कर देते हैं। अब इसका अर्थ निकला टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि था, और इसका अर्थ निकला क्या टैगोर एक महान कवि नहीं था। अब दोनों का अर्थ एक ही है, कहने का तरीका बदल चुका है। और देखिए असर्टिव से फिर इंटरोगेटिव में बदल रहे हैं। ये उदाहरण देखिए यार, यू कैन नॉट विन दिस मैच, तुम यह मैच नहीं जीत सकते हो। अब इसमें असर्टिव का ये नेगेटिव है, इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग हट जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कैन, सहायक क्रिया पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, कैन यू विन दिस मैच क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो इसका अर्थ है यू कैन नॉट विन दिस मैच, तुम यह मैच नहीं जीत सकते हो, और इसका अर्थ होगा क्या तुम यह मैच जीत सकते हो, तो दोनों का अर्थ एक ही है। और देखेंगे असर्टिव से इंटरोगेटिव, जैसे ही विल नेवर फॉरगेट माय काइंडनेस, वह मेरी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। अब ये इसमें नेवर का प्रयोग है, तो नेवर को एवर में बदल देते हैं, तो विल पहले आ जाएगा विल हेल्पिंग वर्ब, विल ही एवर फॉरगेट माय काइंडनेस, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब इसका अर्थ हुआ वह मेरी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा, और इसका अर्थ होगा क्या वह कभी मेरी दयालुता को भूलेगा। इसमें एक और देखते हैं आप असर्टिव को इंटरोगेटिव में बदलने पर नो का प्रयोग है, इसमें नो वन नोज हिज नेम, कोई उसका नाम नहीं जानता है, तो इसको नो को एनी में बदलते हैं। और क्वेश्चन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डज डज सहायक क्रिया पहले आ जाएगी, डज नो वन का हो जाएगा एनी वन, डज एनी वन नो हिज नेम। अब इनका देखिए आप क्वेश्चन मार्क लगा दें, नो वन नोज हिज नेम, कोई उसका नाम नहीं जानता है, अब इसका हो जाएगा डज एनी वन नो हिज नेम, क्या कोई उसका नाम जानता है, दोनों का अर्थ एक ही है। अब इसके बाद में हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलाव करेंगे, तो इसमें कुछ रूल हैं। रूल नंबर वन, वाक्य में जो भी एडजेक्टिव विशेषण शब्द आए तो उसका अपोजिट बना देते हैं, उसको अपोजिट बना देते हैं विलोम, और उसके बाद नॉट, उससे पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है, उससे पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। उससे पहले इसको विलोम बना देते हैं एडजेक्टिव को, और नॉट का प्रयोग उससे पहले करते हैं। कुछ रूल और हैं, रूल नंबर टू, यदि वाक्य में एलोन या ओनली शब्द आए तो इनके स्थान पर नन बट का प्रयोग कर देते हैं, नन बट का प्रयोग करते हैं,
और इसी में रूल आगे बढ़ाते हैं। रूल नंबर 3, इनको ननबट को वाक्य में पहले स्थान पर लाते हैं, वाक्य में पहले स्थान पर प्रयोग करते हैं। एक और रूल है, यदि यदि वाक्य में एडजेक्टिव से पहले टू का प्रयोग किया जाए, टू का प्रयोग हो और उसके बाद कोई इन्फिनिटिव वर्ब हो, वर्ब हो, तो हम उसमें भी कुछ बदलाव करते हैं। तो टू को सो में बदल देते हैं और उसके पश्चात दैट प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 5, यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस का हो तो कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है, और यदि पास्ट टेंस का वाक्य हो तो कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसके कुछ उदाहरण समझाने जा रहा हूँ, तो इसको देखिए आप समझ लीजिए। अफर्मेटिव से नेगेटिव में हम इसको बदलाव करेंगे, तो जैसा कि आपको बताया गया था कि उस वाक्य में जो भी एडजेक्टिव वर्ड आए, विशेषण शब्द आए, तो नेगेटिव में बदलते समय हम उसका अपोजिट विलोम शब्द ले लेते हैं और उससे पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। और इसमें रूल नंबर 2 है, एलोन या ओनली शब्द आने पर ननबट का प्रयोग किया जाता है और उस ननबट को वाक्य में पहले स्थान पर लाते हैं। इसके बाद जो रूल अगला लिखाया गया है उसमें, यदि एडजेक्टिव से पहले कोई टू शब्द आए तो टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं और उसके पश्चात दैट प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब इन्फिनिटिव वर्ब समझ लीजिए, इनसे पहले टू का प्रयोग टीओ टू का प्रयोग किया जाता है, और ये ऐसी वर्ब होती हैं कि जिस पर किसी कर्ता के वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगला रूल नंबर 5 मैं आपको समझा देता हूं कि यदि प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो तो कैन नॉट का प्रयोग कर देते हैं, और यदि पास्ट टेंस का वाक्य हो तो कुड नॉट का प्रयोग कर देते हैं। आप उसके कुछ एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे अफर्मेटिव है, सुमित इज ए ब्रेव बॉय, तो इसका अर्थ है सुमित एक बहादुर लड़का है। अब हम इसको नेगेटिव में बदल रहे हैं बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब ये एडजेक्टिव वर्ड ये है ब्रेव बहादुर, तो इसको हम अपोजिट कर देते हैं, इसका विलोम शब्द कर देते हैं, उससे पहले नॉट लगा देते हैं, तो सुमित इज नॉट ए कावर्ड बॉय, सुमित एक कायर लड़का नहीं। तो हम दो तरीकों से इसको कह सकते हैं, सुमित एक बहादुर लड़का है, या तो ऐसे कह दें, या फिर सुमित एक कायर लड़का नहीं। अगला देखिए,
अफर्मेटिव से नेगेटिव बदल रहे हैं, जैसे राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, राधा एक सुंदर लड़की है, तो इसका हो जाएगा राधा इज, नोट लगा देंगे, अब इसका अपोजिट कर देंगे ब्यूटीफुल का, तो एन अगली गर्ल, राधा एक कुरूप लड़की नहीं है। दो तरीके से कह सकते हैं, राधा एक सुंदर लड़की है, या तो ऐसे कह दो, या राधा एक कुरूप लड़की नहीं है। कुछ और उदाहरण देखिए, राकेश एलोन गॉट दिस प्राइज, इसको हम नेगेटिव बदलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि एलोन या ओनली आने पर उसका नन बट में प्रयोग कर देते हैं और उसको पहले स्थान पर लाते हैं, तो एलोन का हो जाएगा नन बट, नन बट राकेश गॉट दिस प्राइज, इसका अर्थ है अकेले राकेश, केवल राकेश ने यह इनाम जीता, और इसका अर्थ है और किसी ने नहीं परंतु राकेश ने यह इनाम जीता, तो दोनों का एक ही अर्थ है, अकेले राकेश ने इनाम जीता या किसी और ने नहीं परंतु राकेश ने यह इनाम जीता, दोनों का एक ही अर्थ है। अगला एग्जांपल देखिए, अफर्मेटिव को नेगेटिव बदलना, ओनली ही कैन डू दिस वर्क, केवल वह अकेला इस कार्य को कर सकता है, तो इसका हो जाएगा नन बट ही कैन डू दिस वर्क, ओनली वो नन बट में बदल देते हैं, और कोई नहीं केवल वही इस कार्य को कर सकता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, अब इसमें देखिए, शी इज टू वीक टू रन, वह दौड़ने को बहुत ही कमजोर है, इसका अर्थ है कि वह इतनी कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकती है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो इसीलिए इसमें कैन नॉट का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, और टू के स्थान पर आपको मैंने बताया था सो का प्रयोग होता है, तो इसमें हो जाएगा सी इज सो वीक, इसके पश्चात दैट का प्रयोग हो जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट शी है, दैट शी कैन नॉट रन, वह दौड़ने को कमजोर है, या तो हम ऐसे कहेंगे या फिर ऐसे कहेंगे वह इतनी कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकती है। अब यदि वो ये और उदाहरण देखिए, यदि पास्ट टेंस का हो तो कैसे प्रयोग होगा, अफर्मेटिव को नेगेटिव बदलेंगे, तो
शीला वार टू टू एन टू फाइव शीला लड़ने को बहुत ही दुबली थी, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं शीला इतनी दुबली थी कि वह लड़ नहीं सकती थी। तो ये पास्ट टेंस है, ये हो जाएगा शीला वाज सो थिन दैट का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद शीला है इसलिए शी का प्रयोग कर सकते हैं, शी दैट शी कुड नॉट फाइट, शीला इतनी पतली थी कि वह लड़ नहीं सकती थी। आज हमने आपको चार जो बदलाव मैंने बताए थे उनमें से दो करवा दिए हैं, और नेक्स्ट बार हम इससे आगे के दो रूल आपको बताएंगे।